हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारे एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट बड़े लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5th, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ हम इस चैप्टर के इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को देखेंगे और इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहां लिखा हुआ है, टुडे मंडे वांडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट हर सीट। अब ये जो स्टोरी दी हुई है और ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इस स्टोरी के अंदर एक चीज दी हुई है जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि टुडे मंडे मतलब कि आज सोमवार को जो वांड्रा पेट्रुंस्की है वॉज नॉट इन हर सीट, वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी नॉट इवन पैगी एंड मेडेलाइन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एबसेंस। लेकिन किसी ने नहीं, जो पैगी थी, जो मैडलिन थी, जिन लड़कियों ने सारी जो मस्ती थी, जो फन था वो शुरू किया था, उन्होंने उसकी जो एबसेंस था, जो वो प्रेजेंट नहीं थी, उस पे ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। और आमतौर पर यूजली जो वांडा है वो आप कह सकते हो कि जो क्लास है क्लास नंबर 13 में लास्ट जो सीट है वो लास्ट रो में लास्ट सीट के बगल में बैठती थी। शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर वेन एनीथिंग फनी वॉज सेट द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। अब यहां पर लिखा हुआ है शी शेट, यानी कि वह कमरे के एक कोने में बैठती थी, सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ये एक कमरे के कोने में बैठती थी जहां जो नालायक बच्चे होते हैं, जो दंड बच्चे होते हैं, वो जो रफ बॉयज होते हैं वो ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। तो वो कमरे में जहां पर पैरों की सबसे अधिक आवाज आती थी और आप कह सकते हो द कॉर्नर रूम वेयर वॉज अ मोस्ट स्कफलिंग ऑफ द फीट मोस्ट रोर्स एंड लाफ्टर, और उस जहां पे पैरों की सबसे अधिक आवाज आती थी, हंसी की सबसे तेज आवाज आती थी, जब भी कुछ फनी सा होता था या कहा जाता था तो फर्श पर सबसे अधिक मिट्टी और गंदगी थी, द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी हैं, उन मीनिंग्स को भी हम कवर करते हुए चलेंगे ताकि आप चीजों को समझ पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब होता है जब कोई प्रेजेंट नहीं होता है, आप पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ पर्सनली इनकाउंटरिंग एंड अंडरगोइंग समथिंग, जब जो प्रेजेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं एब्सेंस, राइट। सफलिंग का मतलब होता है रिफ्लेक्शन एक तरीके का, ठीक है ना, पैरों की जो आवाज रहती है उसको हम कहते हैं सफलिंग। अब यहाँ पे अगर इस पैसेज को समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि आज सोमवार को जो वांड्रा पेट्रोंस्की हैं वो अपनी सीट पर नहीं थी, और लेकिन किसी ने भी जो उनकी जिन लड़कियों ने सारी मस्ती शुरू की थी, पैगी मेडलिन, उनकी जो अनुपस्थिति थी, जो एब्सेंस था, उसका ध्यान नहीं दिया। और आमतौर पर यूजली जो वांडा है वो क्लास नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट सीट के बगल पर बैठती थी और वो कमरे के कोने में बैठती थी जहां जो नालायक बच्चे होते थे वो अच्छे नंबर नहीं लाते थे, वही बैठते थे कमरे का कोना जहां पैरों की सबसे अधिक आवाज आती थी, राइट, जहां पे सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन था।
हंसी की सबसे तेज आवाज आती थी, और कुछ जो भी हास्यास्पद कहा जाता था तो वो फर्श पर सबसे ज्यादा मिट्टी और गंदगी वहीं थी। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे एक चीज लिखी हुई है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहां पे इसलिए नहीं बैठी कि वह नालायक और अशांत थी, नॉइजी थी, नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग टू एट ऑल। इसके विपरीत आप कह सकते हो कि वह बहुत ही शांत और शायद ही कभी किसी को कुछ कहती थी, और एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट अलाउड, और किसी ने भी कभी भी उसके उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। एंड समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू क्रॉक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। और कई बार अपने मुंह को एक कहते हैं ना, एक क्रूक्ड स्माइल, एक मुस्कान की में घुमाते थे, लेकिन वो सब कुछ, लेकिन वही सब कुछ था उसके लिए, बट दैट्स ऑल, वही सब कुछ था। नोइजी का मतलब होता है जहां पे ज्यादा शोरगुल है, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है यार इसके विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में। क्रूक्ड का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, बेंडिंग, कर्व्ड, कहते हैं ना एक कुटिल मुस्कान जिसको कहते हैं, वो होती है क्रूक्ड। तो अगर इन चीजों को समझे तो आप कह सकते हो कि वांडा वहां नहीं बेटी कि वह नालायक और आसान थी, लेकिन इसके विपरीत बहुत शांत और शायद कहीं भी कभी भी कुछ कहती थी किसी से, किसी ने भी कभी भी जोर से उसको हंसते हुए नहीं सुना। कई बार एक कुटिल मुस्कान की तरह मुस्काती थी, लेकिन वही सब कुछ था, दैट वाज ऑल। अगर हम आगे बढ़े और देखें यहाँ पे, तो एक चीज आपको समझ आएगी कि यहाँ लिखा हुआ है, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वंडा वंडा सेट इन अ सीट अनलेस इट वाज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट एंड हर फीट वर यूजली कैक्ट विथ डॉटी मड। आप कह सकते हो कि कोई नहीं जानता कि वास्तव में जो वांडा है उस सीट पर क्यों बैठ गई, और जब तक यह था कि वो बहुत दूर, आप कह सकते हो बोंगिस जो हाइट से आई थी, उसके पैरों पर जो कीचड़ से सने हुए थे, बोगी साइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद डर्टी मड, उसके जो सूखे कीचड़ से सने हुए थे उसके पैर, लेकिन बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर रूम। लेकिन किसी ने भी वास्तव में आप कह सकते हो कि जो वांडा पेट्रोंस्की के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जब वह द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वांडा आउटसाइड स्कूल आवर्स एट नून टाइम वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन वेयर ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड। अब हुआ क्या कि वह उस समय जब उन्होंने देखा कि वांडा के बारे में सोचा, तो वो स्कूल के समय से अलग था। दोपहर के समय में जब वे स्कूल से वापस आ रहे थे, या सुबह जल्दी स्कूल शुरू होने से पहले, जब दो या तीन या उससे भी अधिक जो ग्रुप्स था वो स्कूल का जो यार्ड था वहां पे अपने रास्ते पर बात कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। सो देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विथ हर। तो तब वो क्या करते थे, कभी कभी उसके लिए रुकते थे, कभी कभार वांडा का इंतजार करते थे उसके साथ मस्ती करने के लिए, टू हैव फन विद हर। देखिए यहाँ पे अगर आप चीजों को देखें तो आपको समझ आएगा कि जो कैक्ट का मतलब होता है कि एक स्पेशली एक 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 बीड ब्रीड उसका होता है, और आप कह सकते हो कि जो चीजें हैं वहां पे एग्जैक्टली जो आप कह सकते हो कि जो ये ड्राई विथ ड्राई मड का मतलब क्या होता है कि जो जो सूखे कचड़े होते हैं, सूखे कीचड़ से सने हुए थे आमतौर पर उसके पैर, और ड्राई मड का मतलब था सूखा कीचड़, राइट, फीट पर यूजुअली कैट, और जो उसकी हाइट थी वो, क्योंकि वो बहुत दूर से आई थी, सो हर फीट यूजुअली कैट विथ ड्राई मड, तो उसके जो पैर थे वो आमतौर पर, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, सूखे कीचड़,
ना, कैक विथ ड्राई मड, सूखे कीचड़ से सने हुए। केक का मतलब बिल्कुल सना हुआ। अब मास ऑफ आप कह सकते हो, एक तो केक होता है वो जो ब्रेड से बना होता है स्पेशली, और एक फ्लैट मतलब बिल्कुल सना हुआ था। मड मतलब होता है कीचड़, वेट, सॉफ्ट अर्थ, तो वेट का मतलब कीचड़ होता है। नोबडी नो, यहाँ पे आप कह सकते हो, अगर फिर से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हो कि कोई नहीं जानता था कि वास्तव में वांडा उस सीट पर क्यों बैठी थी, जहां जब तक यह था क्योंकि बहुत दूर बोगिन साइड से आई थी और उसके पैर आमतौर पर सूखे जो कीचड़ थे उससे सने हुए थे। लेकिन किसी ने भी वास्तव में जो वांडा पेट्रॉन्स्की के बारे में नहीं सोचा, राइट, किसी ने भी नहीं सोचा। और जब एक बार वो अपने कमरे के कोने में बैठ गई, तो दैट टाइम वह उस समय उन्होंने जो वांडा है उसके बारे में सोचा। और स्कूल के समय से वो अलग समय था, जैसे दोपहर का समय हो गया जब वे स्कूल से वापस आ रहे थे, या सुबह जल्दी स्कूल शुरू होने से पहले, या जब दो या तीन या उससे अधिक जो ग्रुप्स रहते थे वो स्कूल के यार्ड में अपने रास्ते पर बात कर रहे होंगे और हंस रहे होंगे, राइट। अब जो समटाइम्स कभी कभी वे वांडा का वेट भी करते थे, दे वेटेड फॉर वांडा एंड हैव टू फोन विद वर, ताकि उसके साथ मस्ती कर सके, उसके साथ मस्ती करने के लिए कभी कभार वेट भी करते थे। अब देखिए अगले पैसेज में लिखा हुआ है कि द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस हर एबसेंस अगेन। और अगले दिन मंगलवार को जो वांडा थी वो स्कूल में नहीं आई थी, और किसी ने उसकी जो एब्सेंस था उसको नोटिस नहीं किया फिर से। अब हुआ क्या कि बट ऑन वेडनेसडे पैगी मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रंस हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर। और अगले दिन ट्यूजडे के दिन आप कह सकते हो कि वांडा स्कूल में नहीं थी, आइदर नोबडी नोटिस और इवन कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया वेडनेसडे को, बुधवार को। लेकिन जो पैगी और जो मैडी थे हु शेट वो अच्छे पाने वाले जो दूसरे बच्चे थे उनके साथ में आगे बैठ गए थे, जो कीचड़ के ढेर में नहीं घूमे थे, विथ अदर चिल्ड्रंस हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन होल अ लॉट ऑफ मड, और उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहां नहीं थी, डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, सी वॉज प्रेटी, सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स एंड हेयर वॉज कर्ली, मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। जो पैगी थी वो सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़कियों में से थी, पैगी स्कूल के सभी पॉपुलर लड़कियों में से थी, वह सुंदर थी, उसके पास कई प्रिटी कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे। जो मैडी थी वो उसकी बहुत ही करीबी दोस्त थी, और इसके साथ साथ में पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति को इसलिए देखा क्योंकि वांडा ने उन्हें स्कूल आने में देर करवा दी थी। सो मैडी वॉज अ क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस बिकॉज वांडा हैड मेड द लेट टू द स्कूल, लेट करवा दी थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विथ हर एंड जस्ट हैड नॉट कम, देन दे ऑफ्टन वेटेड फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की टू हैव फन विथ हर। अब हुआ क्या कि पैगी और मैडी ने उसकी जो एब्सेंस था उसको इसलिए देखा क्योंकि उसने स्कूल आने में देर करवा दी थी। उन्होंने वांडा के साथ मस्ती करने के लिए बहुत इंतजार किया लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आई, राइट। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। एब्सेंस का मतलब होता है जब वो प्रेजेंट नहीं हो, प्रेटी का मतलब होता है अच्छे सुंदर जो चीज़ें होती हैं, जो प्लीजिंग होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, जो आंखों को अच्छी लगती हैं उसको हम कहते हैं प्रिटी, और ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, प्रायः ये चीज होती है उसको हम कहते हैं। सो अगर इस कंप्लीट पैसेज को एक बार फिर से समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि अगले दिन बुधवार को किसी ने नोटिस नहीं किया वांडे स्कूल में नहीं थी, और किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, बट वेडनेसडे को पैगी और मैडी
जो कि उन बच्चों के साथ बैठे थे वो जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए थे, लेकिन उनका जो जो ट्रैक था वो बिल्कुल मड मड में नहीं था, कीचड़ में नहीं था, सूखे कीचड़। तो नोटिस किया कि वांडा नहीं थी, और पैगी जो थी सबसे पॉपुलर लड़की थी, प्रिटी थी, उसके पास अच्छे सुंदर कपड़े थे, और उसके जो बाल थे वो कर्ली थे, और जो मैडी थी वो उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। सो रीजन ये था कि मैगी और पैडी ने वांडा को इस एब्सेंस को इसलिए नोटिस कर लिया क्योंकि उन्होंने स्कूल आने में उसने देरी करवा दी थी, उन्होंने वेट किया था ताकि उसके साथ फन कर सके, लेकिन वो नहीं आई। दे ऑफ्टन वेटेड वांडा पैटर्न्स की टू हैव फन विद हर, उन्होंने अक्सर वेट किया ताकि वो उसके साथ में फन कर सके, राइट। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि वांडा पेट्रॉन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट, और वांड्रा पेट्रॉन्स्की क्लास नंबर 13 में अधिकांश बच्चों के नाम इस तरह के नहीं थे, और दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, और जो उनके नाम थे बहुत आसान थे और नाम बोलने में भी आसान थे, और जैसे कि थॉमस, स्मिथ, एलन, ये नाम थे। और देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, बिली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रॉन्स्की वॉज। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, और आप कह सकते हो कि वहां एक बाउंस, विली बाउंस नाम का एक लड़का था, और लोगों को लगा कि वो बहुत ही हास्यास्पद नाम था, लेकिन उतना नहीं था जितना पेट्रोंस्की का था, राइट। और वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, और जो वांडा थी उसके दोस्त तो नहीं थे। सी केम टू स्कूल एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल आती थी अकेले और अकेले घर जाती। She always wore and faded blue dresses that didn't hang right. वो हमेशा एक फीकी सी, ब्लू सी जो ड्रेस थी वो पहनती थी, जो जिसका कलर फैड हो चुका था, थोड़ा फीका हो चुका था, जो सही नहीं आती थी, और didn't hang right. और इट वॉज क्लीन, जो कि साफ थी, बट इट लुक्स एज थ्रू इट एंड नेवर बीन इग्नोर्ड प्रॉपरली। लेकिन साफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसे कभी ठीक से आयरन प्रॉपरली नहीं किया गया, उसको आयरन नहीं किया गया, उसमें सले दिख रही थी। और शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, बट अ लॉट ऑफ गर्ल टॉक टू हर, समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड, एज स्कूल वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्म हार्ड ग्राउंड। आप कह सकते हो कि शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारी जो लड़कियां थी उससे बात करती थी कभी कभी, उसे जो स्कूल यार्ड था उसमें उसको उसको घेर लेती थी, और जब वह खड़े होकर छोटी सी लड़कियों के को खराब सख्त जमीन पर वो हॉप स्कॉचिंग करते हुए देखती थी, मतलब रस्सी जो कूदते हैं ना उसको, खेल को कूदते हुए उसको देख रही थी। वांडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कॉर्टनेस मैनर एज थो सी वर टॉकिंग टू मिस मैशन, और जो वांडा थी उसने पैगी की एक सबसे पैगी वांडा पैगी एक शिष्ट तरीके से कहती, हालांकि मिस मेशन से बात कर रही थी, वो कहती हैं कि क्वार्टर्स मैनेज थ्रो अ सी वर टॉकिंग टू मिस मेशन वांडा शी डिड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज टेल अस, और हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। तो अब हुआ क्या कि जो वांडा पैगी एक अशिष्ट तरीके से कहती है कि हालांकि मिस मैशन से बात कर रही थी और कहती है अपने दोस्त को एक कोनी मारते हुए कि वांडा हमें बताओ
कि तुमने कितने कपड़े अपनी अलमारी में लटका रखे थे। उसने कहा कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रॉपरली का मतलब होता है एक करेक्ट तरीके से की हुई चीज। कॉटशनेस का मतलब होता है कि यार कोई चीज बिल्कुल जो अच्छे वे में करी गई हो, अच्छे मैनर में करी गई हो, हम उसको कहते हैं। और अगर नड्ज की बात करें तो नड्ज का मतलब होता है एक जेंटल पुश, जिसको हम कहते हैं ना, एक हल्का सा कूनी मारना, उसको हम कहते हैं नड्ज, राइट। तो यहाँ पे अगर इन चीजों को समझने की हम कोशिश करें तो हम इजिली समझ सकते हैं कि इस कंप्लीट पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए आप कह सकते हो कि जो वांड्रा पेट्रॉन्स की थी, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 हैव नेम लाइक दैट, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जिनका नाम इस तरीके का नहीं था। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि दे हैड नेम इजी, उनके जो नाम थे वो बहुत ही सिंपल थे और जैसे कि बोलने में आसान थे, जैसे थॉमस हो गया, स्मिथ हो गया, एलन हो गया। वहाँ एक बाउंस बिल्ली नाम का भी बाउंस बिल्ली नाम का एक लड़का भी था और लोगों को लगा कि ये बहुत ही फनी है, फनी था, लेकिन उतना फनी नहीं था जितना पेट्रॉन्स की का था। जो वांडा है उसके कोई दोस्त तो नहीं थे, उसके कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन वह स्कूल अकेले आती थी और अकेले जाती भी थी। एक्सीडेंट हैव एनी फ्रेंड्स बट लॉट्स ऑफ टॉकिंग, लेकिन उसके बारे में बात करते थे। और कभी कभी क्या होता था कि सी ऑलवेज फेडेड ब्लू, यहाँ पे लिखा है ना, देखिए कि वांडा डिडेंट हैव सी एनी फ्रेंड्स बट स्कूल अलोन एंड वेंट अलोन, सी ऑलवेज रोर फेडेड ब्लू ड्रेसेस दैट डिडेंट हैंग राइट, और हमेशा एक फीकी सी जो ब्लू कलर की ड्रेस थी वो पहनती थी, जो सही नहीं आती थी, लेकिन ये साफ था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी ठीक से उस पर स्त्री न करी हो। और उसके कई दोस्त नहीं थे, कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसके बारे में बात करती थी। कभी कभी वे स्कूल के यार्ड में उसको घेर लेती थी, और जब वो खड़े होकर छोटी लड़कियों को खराब कह सकते हो ना कि जो रस्सा कूदते हुए देख रही थी तो उसको देखती थी। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो वांडा है उसने पैगी को एक शिष्ट तरीके से उसने कहा कि मिस मेशन बात कर रही थी, वो कहती है कि ये अपने दोस्त को छोटी सी कोहनी मारते हुए कहती है कि वांडा हमें बताओ कि तुम्हें कितने कपड़े तुमने अपने अलमारी में लटका रखे हैं। वांडा कहती है कि 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेसेस, वो कहती है कि लगभग 100। ऑफिशियली ऑफिशियली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज अ ब्लू वन सी रोर एवरी डे। और आप कह सकते हो कि वांडा जब कहती है कि मेरे पास 100 है, तो सभी लड़कियों को उन्हें एक बहुत ही कहते हैं ना जिसको विश्वास नहीं होता है, और उस ढंग से कहा ओ 100 ओके, और 100 राइट। और जो छोटी लड़की जो रस्सा कूद रही थी, हॉप स्कॉचिंग कर रही थी, उसने उस खेल को बंद करती और सुनती कि ये सो वाई सी हैड 100, व्हाट अ स्टोरी, हाउ मेनी शूज डिड यू, आप कह सकते हो कि डिड यू हैड 60 पेयर्स राइट। और यहाँ पर एक चीज आपको समझ आएगी जो कि बहुत अच्छी तरीके से, कि यहाँ पे तो उसने कहा 100, व्हाट अ स्टोरी, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या स्टोरी है, 100 ड्रेसेस राइट। और इसके अलावा उसने कहा कि हाउ मैनी शूज डिड यू हैड, उसने कहा 60 पेयर्स। उसने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास जो शूज हैं वो कितने हैं, उसने कहा करीब आप कह सकते हो कि 60 पेयर हैं शूज के राइट। और ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेस्ट, और सभी जो हैं लाइन अप हैं, और सभी बिल्कुल लाइन अप हैं। क्राइज एग्जरेटिंग पोलाइटनेस ग्रीटेड द अलाइक ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स लाइन अप। वो कह रही है कि हर जो कलर है ना वो सारे के सारे कलर हैं जो हैं
वो बिल्कुल अलग हैं, और सारे के सारे जो कलर हैं वो सबसे अलग हैं, और सब डिफरेंट हैं, राइट। और वो कहते हैं, ओ नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, सारे के सारे जोड़ी अलग हैं और सभी पंक्ति में लगे हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड्स वर ऑलवेज टू लास्ट टू लीव, फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोजेस्ट, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन अ फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। और हुआ क्या कि पैगी जिसने इस खेल को सोचा था, मैडी उसकी जो कह सकते हो कि बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा आखिरी में जाते थे, अंततः वांडा जो है वो सड़क पर जाती है, उसकी आंखें सुस्त और मुंह बंद था, बार बार कंधे को हास्यास्पद तरीके से उचकाती थी और स्कूल तक पहुंच जाती थी अकेले बिल्कुल वो भी। तो पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, आप कह सकते हो कि जो पैगी थी वो क्रूर नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को जो बदमाश होते थे ना उनसे बचाती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सॉ अ एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी को वो बहुत घंटों तक रोती थी अगर किसी जानवर के साथ बदसलूकी करते हुए देखती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज क्रूअल वे एंड ट्रीट वांडा, सी वुड हैव अ वेरी सरप्राइज्ड क्रूअल। और आप कह सकते हो कि अगर वह किसी जानवर के साथ बदसलूकी करते हुए देखती तो घंटों तक रोती थी। अगर किसी ने उससे कहा होता कि क्या आपको नहीं लगता कि वांडा से उसका जो बिहेवियर है वो क्रूर तरीका था, वो बहुत ही अचंभित होते। क्रूर लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 पोशाक से, राइट। और ये आगे हम देखेंगे अभी स्टोरी में, जब तक हम ये जो मीनिंग्स हैं उनको देखते हैं। देखिए ऑब्वियसली का मतलब होता है यार, ठीक है इन वे आप कहते हैं यूजुअली चल रहा है, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस है ये चीज़ है ना, नॉर्मल इन दैट वे, इजी टू सी चीजों को देखना। एग्जेजरेटेड का मतलब होता है एबनॉर्मल, इंक्रीज्ड, इन लार्ज, और इनसेपरेबल का मतलब होता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनकैपेबल टू बीइंग सेपरेटेड, जिसको हम सेपरेटेड नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे वो जान करके वो है बहुत हैरान है कि 100 ड्रेसेस हैं, ऑब्वियसली वांडा वॉज ब्लू वन, लेकिन वो ऑब्वियस सी बात है वो केवल एक ही ब्लू कलर की वो ड्रेस पहनती है। सो वाई, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सो वाई से उसने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास 100 है, क्या स्टोरी है, हाउ मैनी शूज डिड यू, उसके पास उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कितने जूते थे, उसने कहा 100 जोड़ी, मेरी सभी अलमारी में लगे हुए हैं, और सबने उसको बधाई दी सब एक जैसे। ओ नो, वो सबको कहते हैं कि जो हर एक पेयर है वो अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग कलर है उसमें, सभी एक पंक्ति में लगे हुए हैं। पैगी जिसने इस खेल को सोचा था, वो मैडी जो उसकी दोस्त थी जो हमेशा साथ में रहती थी, वो आखिरी में जाते थे, और जब वांडा सड़क पर जाती थी तो उसकी आंखें सुस्त और उसका मुंह बंद था, बार बार अपने बाएं कंधे को एक कहते हैं ना एक अलग तरीके से उचकाती थी और अकेले घर पहुंच जाती थी। एंड फनी वे सी हैड फिनिशिंग वॉक टू स्कूल अलोन। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में उतनी क्रूर नहीं थी, और जो छोटे बच्चे थे उनको बदमाशों से बचाती थी, घंटों तक रोती थी, अगर कोई जानवरों की तरह उसको बिहेव करता था, बदसलूकी से देखती थी, तो वो बहुत घंटों तक रोती थी। अगर किसी ने उससे ये कहा होता कि क्या आपको नहीं लगता कि जो वांडा है उसका व्यवहार बिल्कुल क्रूर है, तो वह अचंभित होती और क्रूर कि ऐसा उसने क्यों कहा, सी वुड बी वेरी सरप्राइज्ड क्रूअल। अच्छा, व्हाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस, उसको अब लग रहा है कि यार इस लड़की ने क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज लाइ,
और कोई भी बता सकता था कि यह झूठ है। सी डिडेंट सी वॉन्ट टू लाई एंड वॉज नॉट जस्ट अ ऑर्डनरी पर्सन एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट एनीबडी एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और आप कह सकते हो कि कोई भी बता सकता था कि वो झूठ है, और वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी? क्या वो सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थी? क्योंकि उसका जो नाम था वो इस तरीके का था। वैसे भी उन्होंने उसे कभी नहीं रुलाया। फॉर द मैडी, और आप कह सकते हो कि मैडी के मामले में दिस बिजनेस टू आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैड्स हाउ मेनी दिस हाउ मेनी दैट सी हैड वॉज बॉदरिंग हर। और मैडी के मामले में वांडा से हर दिन पूछना कि कितने कपड़े कितनी टॉपियां कितने ये कितने वो, उन सबसे परेशान हो रही थी वो। और मैडी खुद ही जो थी वो कह सकते हो कि गरीब थी, और मैडी वॉज अ पुअर हर सेल्फ। और सी यूजली रोर समबड़ी हैंड मी डाउन क्लॉथ्स थैंक गुडनेस सी डिडेंट लिव अप अ बोगिश हाइट ऑफ हैव अ फनी नेम। वह आमतौर पर किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी, और भगवान का शुक्र है कि वह बोगिन साइट पर नहीं रहती थी। यह एक अजीब नाम नहीं था। तो अब हम आते हैं इसकी मीनिंग पे। देखिए, ऑर्डरी का मतलब होता है बिल्कुल नॉर्मल प्लेन सा। बोदरिंग का मतलब होता है यार, जो चीज़ आपको परेशान करती है, बॉदर करती है, अनोइंग करती है, उसको हम बोदरिंग कहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब सबको लग रहा है यार कि ये इसने ऐसा क्यों कहा। वाई डिड से द 100 ड्रेसेस, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ऐसा उसने क्यों कहा। और सब लोग इस बात से परेशान थे। और आप कह सकते हो कि नोबडी टेल दैट वॉज लाई, और कोई भी ये बता सकता था कि ये झूठ था, क्योंकि वह झूठ बोलना क्यों चाहती थी? और क्या वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थी? और क्यों उसका नाम इस तरीके से? वैसे भी कभी उसने कभी रुलाया नहीं। और एज अ मैडी, मैडी के मामले में आप कह सकते हो कि हर बार पूछना कि कितने कपड़े हैं, कितनी टोपियां हैं, कितनी ये हैं, कितनी वो हैं, वो उसको परेशान कर। मैडी खुद गरीब थी, आमतौर पर किसी के उतरे हुए कपड़े पहनती थी, और भगवान का शुक्र है कि वह भोगिन साइट पर नहीं रहती थी। उसका यह एक अजीब नाम नहीं था। समटाइम्स वेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा, कुछ समय जब पैगी थी वो पूछ रही थी वांडा दोज क्वेश्चन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस मैडी लेफ्ट। और कई बार जब पैगी उस नकलची जो सौम्य की आवाज में वांडा से उन सवालों को पूछती थी, तो मैडी को शर्मिंदा महसूस होता था। मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड दैट स्टडी द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। वो वास्तव में आप कह सकते हो कि वो अपनी हथेली को जो कंचे हैं वो देखती रहती थी, चारों ओर घुमाती थी, खुद से कुछ नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी डिड पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड टू हर नेक्स्ट, सी वॉज नॉट एज पुअर वांडा पर हैप्स, बट सी वॉज पुअर। देखिए, अगर हम यहां से फिर से समझने की कोशिश करें कि समटाइम्स वेन पैगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हिमसेल्फ। कई बार आप कह सकते हो कि जब पैगी उस जो नकलची सौम्य की आवाज में वांडा से उन सवालों को पूछती थी, तो मैडी जो थी उसको शर्मिंदा महसूस होता था। वो केवल अपने हाथ की हथेलियों में कंचों को देखती रहती थी और घुमाती थी, और कुछ भी नहीं कहती थी। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन हर नेक्स्ट, सी वॉज नॉट एज अ पुअर एज वांडा
परहैप्स बट शी वॉज पुअर। तो आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि वास्तव में वांडा के लिए उसने कभी सॉरी महसूस किया हो या खेद महसूस किया हो। उसने वांडा पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। अगर पैडी ने कपड़ों के खेल की शुरुआत नहीं की होती तो मान लीजिए पैगी और सभी किसी अन्य पर यह शुरू कर देते थे। शायद वांडा जितनी गरीब नहीं थी, लेकिन वह गरीब शायद वो वांडा उतनी गरीब नहीं थी लेकिन वो गरीब थी। बट सी वॉज पुअर। ऑफ कोर्स सी वुड हैव सम मोर सेंसेस देन टू से सी हैड अ 100 ड्रेसेस, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। शी विस्ट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रॉन्स्की। अब हुआ क्या कि बेशक आप कह सकते हो, ऑफ कोर्स बेशक उसके पास यह कहने से अधिक बुद्धि थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, फिर भी वह नहीं चाहेगी कि वे इस पर इसे शुरू करें। वो चाहती थी कि जो वांड्रा वांडा पेट्रॉन्स की है उसको चिढ़ाना बंद कर दें। और यहां पे देखिए, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है जब आप एक ए पोलाइट का मतलब होता है जब आप बिल्कुल एक अच्छे वे में कहते हो। एम्बेरेस का मतलब होता है यार बहुत बेकार आपको फील होता है। और इन्वेंटेड का मतलब होता है खोज, राइट, प्रोड्यूस, कोई चीज आप सोचते हो उसको हम कहते हैं। तो इसको आप समझ सकते हो इजीली कि जो कि काफी आसान है कि कई बार जो पैगी थी उस जो नकलची सॉन्ग में थी उसकी आवाज में वांडा से उन क्वेश्चंस को पूछती थी, लेकिन मेहंदी को शर्मिंदा महसूस होता था। उसके साथ उसके कंच हथेली में जो कंचे रहते थे उनको देखती थी, चारों ओर घुमाती थी और कुछ भी जवाब नहीं देती थी। और ऐसा नहीं है कि वांडा के लिए उसने खेद महसूस किया हो या, लेकिन वांडा कभी कोई ध्यान ही नहीं देती थी। पैडी अगर ये कपड़ों का जो खेल है, पैगी पैगी अगर कपड़ों के खेल की शुरुआत नहीं की होती तो मान लीजिए कि सभी एक दूसरे अन्य पर ये शुरू कर देते, शायद वांडा जितनी गरीब नहीं थी लेकिन गरीब थी। बेशक उसके पास यह कहने से अधिक इंटेलिजेंसी थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे, फिर भी वह नहीं चाहेगी कि उस पर कोई से शुरू करे। और वो चाहती थी कि जो पैगी है वो वांड्रा पेटरन्स की को चिढ़ाना बंद कर दे। टुडे इवन इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, और मैडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। आज भले ही वे देर से स्कूल आए थे लेकिन मैडी को खुशी थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं बनना पड़ा था, बनाना पड़ा था। सी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एबसेंट माइंडली, एग्जाम्पल टाइम्स 8, लेट सी एस विस्ट सी हैड अ नर्व टू राइट पैगी नोट बी अशी सी नेवर वुड हैव अ करेज टू स्पीक राइट आउट पैगी टू से हे पैग लेट स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैज। अब हुआ क्या कि आज भले ही वो देर से स्कूल आए थे लेकिन मैडी को खुशी थी कि उसे वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ा था। उसने सभी जो अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स थी, जो गणित के सवाल थे उसे ध्यान से नहीं किया था। आठ बार या आठ, चलो देखते हैं। वो चाहती थी कि उसके पास पैगी के लिए एक एक नोट लिखने का साहस था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वह कभी पैगी को सीधे ये कहने का साहस होगा। अरे पैग, चलो वांडा से पूछना बंद करो कि उसके पास कितने कपड़े हैं। वेन एज ए फिनिश्ड हर अरिथमेटिक सी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, सडनली शी पोस्ट एंड सरडेड। और हुआ क्या कि अचानक जब जैसे उसने अपनी अर्थमेटिक की जो अर्थमेटिक को समाप्त की, अंकगणित को समाप्त की, उसने पैगी के लिए एक एक नोट लिखना शुरू किया लेकिन अचानक रुक गई और कांप गई। रेड का मतलब होता है कांप जान। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन स्कूल यार्ड एंड न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड ए गर्ल्स। और वह उसने खुद को स्कूल के यार्ड में
पैगी और अन्य जो लड़कियां थी उनके लिए एक नए गोल के रूप में पाया, न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड अर्न गर्ल्स। पैगी माइट आस्क हर वर सी गॉट ड्रेस एंड दैट हैड ऑन। मैडी वुड आई हैव टू से इट वॉज वंस पैगी ओल्ड वंस दैट मैडी मदर्स हैड ट्राइड टू डिस्कस विथ न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। अब हुआ क्या कि जो पैगी जो थी वो उससे पूछ सकती थी कि उसने खुद स्कूल के जो स्कूल यार्ड था और पैगी और अन्य लड़कियों के लिए उसने नए लक्ष्य के रूप में पाया। मैगी उससे पूछ सकती थी कि उसने जो पोशाक पहनी है उसे वह कहाँ से लाई थी, और मैडी को कहना पड़ता कि यह पैगी की पुरानी पोशाक है और यह पैगी की पुरानी पोशाकों में से एक है, उन ड्रेसेस में से एक है जिसे मैडी की माँ ने नई सजावट के साथ छिपाने की कोशिश की थी ताकि वो 13 रूम नंबर 13 में कोई भी इसे पहचान ना सके। अब 13 वुड रिकॉग्नाइज, यहाँ पे कुछ नव नव का मतलब होता है एक ओरल डिस एग्रीमेंट होता है, वर्बल अपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं। देखो सल्टर्ड का मतलब होता है एकदम बिल्कुल कांप सा जाना, बैड बियॉन्ड करेक्शंस एंड रिफॉर्म। रिकॉग्नाइज का मतलब यार परसीव करना किसी चीज को, उसको हम कहते हैं। सो आप कह सकते हो कि आज भले ही वो स्कूल देर से आए थे लेकिन मैडी की खुशी थी कि वांडा को मजाक नहीं बनाना पड़ा, उसने अपनी जो मैथमेटिक्स अंकगणित के जो सवाल थे उसको ध्यान से नहीं किया था, 8 या 12 8 चलो देखते हैं। वो चाहती थी कि उसके पास मैगी के लिए एक नोट लिखने का साहस था क्योंकि वह जानती थी कि वो कभी भी सीधे उसके पास जाकर के नहीं बोल पाएगी, इतनी करेज नहीं होगी। तो उसने कहा चलो अरे पैग वांडा से पूछना बंद करो कि उसके पास कितने कपड़े हैं। और जब वो अपनी अंगणित की जो क्लास थी उसको खत्म करी और उसने पैगी के लिए एक नोट लिखना शुरू किया, अचानक वो रुकी और कांप गई। सी पिक्चर हर सेल्फ इन दिस, उसने अपने आप को उस पिक्चर में महसूस किया, ये उसके रूप में पाया एक नए लक्ष्य के रूप में पैगी और अन्य लड़कियों के लिए। पैगी उससे पूछ सकती थी कि उसने जो जो ड्रेस पहनी है उसे कहाँ से लाई थी, और मैडी को कहना पड़ता कि यह पुरानी ड्रेसेस में से एक थी जिसे मैडी की माँ ने नई सजावट के साथ उसको छिपाने की कोशिश की थी ताकि वह रूम नंबर 13 में कोई भी उसे पहचान ना सके। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइडेड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, और आप कह सकते हो कि इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, अगर केवल पैगी वांडा के साथ मजाक करना बंद करने के लिए इस समझौते पर स्वयं फैसला लेगी। इफ पैगी वुड डिसाइडेड हर ऑन एकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि अब उसके साथ मजाक करने बंद करने के लिए खुद फैसला लेगी। ओ वेल अच्छा। मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्डी एयर एज दो पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे, और ओ अच्छा मैडी ने उसके छोटे कह सकते हो कि गोरे से बालों पर हाथ फेरा जैसे कि वो असहज विचारों से दूर धक्का दे रही हो। इससे क्या फर्क पड़ता है, इट्स अ डिफरेंस टू मेक इट स्लोली, मैडी टोर इनटू बिट्स एंड नॉट सी हैड स्टार्टिंग, और इससे क्या फर्क पड़ता। धीरे धीरे मैडी उस छोटे छोटे नोट को छोटे छोटे आप कह सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया जिसे उसने शुरू किया था, उस नोट को लिखना शुरू किया था मैडी ने उसको। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, और वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी, और पैगी वॉज अ बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और पैगी पूरे कमरे में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। और पैगी कुड नॉट पॉसिबली टू डू एनीथिंग दैट रियली रॉन्ग शी थॉट, और पैगी
पैगी संभवतः ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो वास्तव में गलत था, उसने सोचा। एज फॉर वांडा, वांडा के लिए वह सिर्फ कोई एज फॉर वांडा सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप इन अ बोगेंस हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वांडा के लिए वह सिर्फ कोई लड़की नहीं जो बोहिन साइड पर रहती थी और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी थी। सी स्केयरली एवर सेड एनी थिंग्स टू एनी बडी। द ओनली टाइम सी टॉक वॉज इन स्कूल यार्ड अबाउट 100 ड्रेसेस। और आप कह सकते हो कि मैडी को याद है कि जब उसने बताया था कि 100 ड्रेसेस के बारे में, तो उसमें बताया था कि वो कोई शायद वो किसी कुछ कहा था एक समय की बात है स्कूल प्रांगण में, उसकी जो 100 ड्रेसेस थी उसके बारे में थी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इफ ओनली पैगी वो डिसाइड, अगर यहाँ पे इस पूरे पैसेज के अंदर सबसे पहले तो हम जो इनकी मीनिंग्स है ना उन मीनिंग्स को कवर करते हैं। तो ब्लॉन्ड का मतलब होता है ड्रेन स्ट्रेंथ, जहां पे एनर्जी खत्म होती है। अनकंफर्टेबल का मतलब होता है असुविधाजनक। आप क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवरली इन्वेंटिव रिसोर्सफुल कह सकते हो। स्केयरली का मतलब होता है डरे हुए, और यार्ड का मतलब होता है वो एरिया क्षेत्र, उसका मैं कह रहा हूँ उसका, उसको हम कहते हैं यार्ड, जैसे स्कूल का यार्ड हो गया, यानी कि स्कूल के जो क्षेत्र क्षेत्र होते हैं ना, जो ग्राउंड होते हैं जहाँ पे स्पेस होता है उसको हम यार्ड कहते हैं। यहाँ लिखा इफ वॉनली, और अगर आप कह सकते हो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि अगर केवल अगर केवल पैगी वांडा के साथ मजाक करना बंद करने के लिए अपने समझौते पर स्वयं फैसला करेगी वो अच्छा। मैडी ने उसके छोटे से गोरे से बालों पर हाथ फेरा, जैसे कि वो असहज विचारों को दूर से धक्का दे रही हो, और इससे क्या फर्क पड़ता। धीरे धीरे मैडी ने उस नोट को छोटे छोटे टुकड़े में फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी मैडी, और पैगी पूरे कमरे में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। पैगी संभवतः कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती थी जो वास्तव में गलत था और जो उसने सोचा। सी वॉज रियली रॉन्ग एंड सी थॉट। एज फॉर वांडा, वांडा के लिए वो सिर्फ कोई लड़की नहीं थी जो बोगिन साइड पर रहती थी और स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी थी। वो उसने शायद कभी किसी को कुछ भी कहा हो। एक मात्र समय जब उसने बात की थी वह स्कूल के यार्ड में उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेम्बर हर टेलिंग अबाउट हर ड्रेसेस, पहली ब्लू विथ कलर्ड टीमिंग एंड एम्बेरेड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड सैश। यू डिड लुक लाइक एश क्रिसमस ट्रीज, क्रिसमस ट्रीज। इन दैट द गर्ल हैड सेड प्रिटेंडेड एडमिरेशन। अब हुआ क्या कि मैडी को याद है कि जब उसे कलर सजावट के लिए नीले रंग की अपनी ड्रेस के बारे में बताया था, और उसे एक और याद है जो शानदार जंगली हरे रंग की थी जिस पर लाल दुपट्टा था, और तुम उस पर एक क्रिसमस पेड़ की तरह लगोगी, और लड़कियों ने उसे बिल्कुल एक नाटकीय अंदाज में कहा था। एंड थिंकिंग अबाउट वांडा ऑफ हर 100 ड्रेसेस, वांडा थिंकिंग अबाउट वांडा एंड 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप इन द क्लोजेस्ट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन एंड ड्रॉइंग द कलर कॉन्टेस्ट। अब वांडा और उसकी अलमारी में, की रोज में कह सकते हो अलमारी में, और 100 पोशाकों के बारे में सोचकर मैडी को आश्चर्य हुआ कि ये जो कलर की कंपटीशन है उसमें कौन जीतने वाला है। और
फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस फॉर अ बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। और इस कॉम्पिटिशन में कपड़ों को डिजाइन करना था लड़कों के लिए और ये मोटर बोट डिजाइन करना शामिल था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और लड़कियों में शायद जो पैगी है वो इस मेडल को जीतेगी। पैगी ने कमरे में किसी और से बेहतर चित्र बनाया, पैगी ड्रू बेटर देन एल्स इन द रूम, किसी और से बेहतर चित्र बनाया। एटलीस्ट दैट वॉज अ एवरीबडी थॉट, और कम से कम सबने यही सोचा। सी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन फ्रॉम सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। और आप कह सकते हो कि पैगी ने कमरे के किसी से बेहतर चित्र बनाया, और कम से कम सबने यही सोचा था। वह किसी मैगजीन या किसी फिल्म स्टार के चेहरे की एक तस्वीर कॉपी कर सकती थी। आप लगभग बता सकते थे कि वह कौन है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैगी को श्योर था, यकीन था कि पैगी जीत जाएगी। वेल खैर टुमारो इज टुमारो द टीचर गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे डिडंट, तब उन्हें पता चलेगा। कल जब टीचर्स अनाउंस करेंगी विजेता की घोषणा की, तब उन्हें पता चलेगा। सो यहाँ पे एडमिरेशन का मतलब होता है आप प्लेजर फील करते हो अपने आप को, और अनाउंस का मतलब होता है कि एक एक घोषणा होगी जिससे पता चलेगा कि क्या होगा। और यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस आप कह सकते हो, अनाउंस का मतलब तो यही होता है। अगर हम इस पैसेज के कंप्लीट ट्रांसलेशंस को देखें तो आप समझ पाएंगे कि जो मैडी है उसको याद है कि जब उसने उसे कुछ कलर सजावट के लिए नीले रंग की एकमात्र पोशाक के बारे में बताया था, उस ड्रेसेस के बारे में बताया था, उसे एक और चीज़ याद है कि एक जंगली हरे रंग की पोशाक जिस पर लाल दुपट्टा था, और उसने कहा कि तुम उसमें एक क्रिसमस के पेड़ की तरह लगोगी। लड़कियों ने इसे नाटकीय तरीके से उसकी प्रशंसा में कहा था, राइट। और वांडा और अलमारी, वांडा और अलमारी, थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर ड्रेसेस, उसकी ड्रेसेस की उसकी अलमारी में लगी 100 पोशाकों के बारे में सोचकर मैडी को आश्चर्य हुआ कि ये जो कंपटीशन है कि जो जिसमें कि चित्रकला प्रतियोगिता है, जिसमें कि कलर फिल करना है इस कॉन्टेस्ट में, और ये जो कलर है और इसमें मोटर लड़कों के लिए बनाना है और मोटर बोट डिजाइन करना शामिल था। लड़कियों को शायद कोई लगा कि पैगी पदक जीतेगी, क्योंकि पैगी ने कमरे में किसी और से बेहतर चित्र बनाया, और कम से कम सबने यही सोचा। वह किसी मैगजीन या फिल्म स्टार के चेहरे की तस्वीर को कॉपी कर सकती थी, ताकि आप लगभग बता सकते हैं कि वो कौन है। और ओ मैडी को यकीन था कि पैगी जीत जाएगी। खैर कल जो टीचर हैं वो जो विनर है उनकी उनका नाम अनाउंस करेंगी, तब उन्हें पता चलेगा। द नेक्स्ट डे वॉज अ ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी, एंड मैगी एंड पैगी हर्रीड टू स्कूल अंडर पैगी अम्ब्रेला। और मैडी और पैगी पैगी की छतरी के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी। एंड नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडेंट वेट फॉर वांडा पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फॉर अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन साइट। नेचुरली आप कह सकते हो स्वाभाविक रूप से इस तरह के दिन उन्होंने ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर वांड्रा पेट्रॉन्स्की का इंतजार नहीं किया। वह सड़क से बहुत दूर है और दूर है रेल की पटरियों के नीचे की पहाड़ियों के ऊपर बोगिन साइड तक जाती हुई। वैसे भी एनीवे देवर नॉट टॉकिंग चांसेस टू बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, और वो आज वो बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे और इस तरीके के वो रिस्क नहीं ले सकते थे, राइट। सो रेल की पहाड़ियों के नीचे
वे वैसे भी आज देर होने के वो अपॉर्चुनिटी को नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो आज का दिन जो था वो इम्पोर्टेंट था। डिजलिंग का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, और हिल का मतलब होता है एक पहाड़ी। तो आप कह सकते हो कि अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी और पैडी और मैगी एक ही छतरी के नीचे जल्दी जल्दी स्कूल जा रही थी। और ऑब्वियसली इसकी बात है, स्वाभाविक रूप से इस दिन पर उन्हें ओलिवर स्ट्रीट में कोने पर वांडा पेट्रॉन्स्की का उन्होंने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, वांडा पेट्रॉन्स्की का, क्योंकि सड़क बहुत दूर है और रेल की पटरियों के नीचे पहाड़ियों के ऊपर बोगिन साइड तक जाती है। वैसे भी आज वो देर नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज का दिन इम्पोर्टेंट था। और फिर जो पैगी है ने पूछा, पैगी आस डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैशन आज जो हमारे विनर्स हैं उनकी घोषणा करेंगी? तो ओ ओके दी ओ आई होप सो, द मिनट वी गेट असाइड मैडी, ओ मुझे उम्मीद है हम जैसे ही प्रवेश करेंगे बेशक तुम जीत जाओगी बैग, और ऑफ कोर्स यू विल विन बैग, ऑफ कोर्स तुम जीतोगी। और मैडी ने कहा, होप सो सैड पैगी एग्रली, और उसने कहा उम्मीद है, पैगी ने उससे पूछा कि आशा है कि ऐसा ही हो। और द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गेस्ट, और एज सुन एज जैसे ही जिस पल उन्होंने अपनी क्लास में एंटर किया, पहले वो थोड़ा रुके और हाफने लगे, स्टॉप एंड गेस्ट, दे वर ड्रॉइंग ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज ऑफ विंडो सील, डेजलिंग ऑफ कलर्स एंड ब्रिलियंट लेवल डिजाइन ऑल ड्रॉन द ग्रेट सीट ऑफ रैपिंग पेपर। और फिर क्या हुआ कि पूरे कमरे में चित्र थे और हर कगार और खिड़की पर चमकदार से रंग, शानदार भव्य डिजाइन, सभी वेस्टर्न कागज के महान पन्नों पर बनाए गए थे, लगभग 100 होंगी, और सभी एक पंक्ति बंद थे, और ये अवश्य दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइन अप, और यह 100 होंगे और सभी एक लाइन अप में होंगे, दिस मस्ट बी ड्रॉइंग फॉर कॉन्टेस्ट, और ये जो ड्रॉइंग है उसके उसके लिए ही चित्र होंगे, और दे वर वे थे, एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्ट मर्मर्ड एडमिरिंगली, और हर कोई रुका, सीटियां बजाई, सराहना करते हुए वो फुसफुसाए। और अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है टू मेक नोन पब्लिकली ऑफिशियल, और गैप्स का मतलब होता है यार जब आप प्रोफ्यूजन करते हो, देखिए लैविस का मतलब होता है आप एक अच्छी एक्सपांडेड है ना, एक प्रोफ्यूजन होता है, गैप्स का मतलब होता है एक कन्वर्जन होता है जो हम फुसफुसाते हैं, और मर्मट का मतलब होता है प्राइवेट एक्सप्रेशन जहाँ पे हम बात करते हैं, मर्मट करते हैं है ना, फुसफुसाना जिसको हम कहते हैं, और गैप्स का मतलब भी लगभग वही होता है। तो आप कह सकते हो कि डू यू थिंक, वो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि आज मिस मैशन अनाउंस करेंगी विनर्स का, पैगी ने पूछा। तो सेंड का आई होप, ओ आई होप सो वी गेट इन, आज हम मिलेंगे और तुम जीतोगी। तो पैगी ने कहा आई होप सो ऐसा ही हो, द मिनट दे एंटर, जैसे ही वो जिस पल वो उन्होंने क्लास में प्रवेश किया, थोड़ा रुके हाफने लगे, पूरे कमरे में चित्र थे, हर कागार हर तरफ खिड़की पे चमकदार रंग, शानदार भव्य डिजाइन, सभी वेस्टर्न कागज के महान पन्नों पर बने हुए थे, और लगभग वो 100 होंगे, वो भी सभी एकदम बिल्कुल पंक्तिबद्ध, और ये अवश्य जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसी के चित्र लिए चित्र होंगे, और वे थे, हर कोई रुका, सीटियां बजाई, सराहना करते हुए फुसफुसाए, एज सोन एज, और आप कह सकते हो कि एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मैशन अनाउंस द विनर, और जैसे ही सभी जो स्टूडेंट्स से वो एकत्र होते हैं, मिस मैशन ने जो विजेताएं हैं उनकी घोषणा की, और उसने कहा कि लड़कों में जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर बॉयज सी साइड एंड डिजाइन फॉर आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन द रूम,
12 along with sketches by all other boys. तो उन्होंने कहा कि लड़कों में जैक वैगल्स ने जीता था, जहां और एक जहाज से बाहरी मोटर के लिए उसका डिजाइन बाहर के जो 12 नंबर का रूम है उसमें था प्रदर्शनी में, और सभी लड़कों द्वारा चित्र बनाए गए उनके साथ में, रूम 12 अलोंग विद द स्केचेस बाय देयर ऑल अदर बॉयज. For as for the girls, he said, although just one or two sketches were submitted by the most of one girl, and room 13 should be proud to her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. और उसने कहा कि लड़कियों में हालांकि अधिकतर सिर्फ एक या दो नमूने ही जमा किए गए थे, एक लड़की रूम नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए कि एक लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइंस, सभी अलग अलग और सुंदर बनाए हैं. इन द ओपिनियन द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइजेस. और सभी जजों की राय में जो जो चित्र बनाए गए थे कोई भी एक पुरस्कार जीतने के योग्य है. और वो बताते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू से वांडा पेट्रॉन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रॉन्स्की लड़कियों की पदक विजेता हैं, गोल्ड विनर है. एग्जीबिशन का मतलब होता है कि जहाँ पे फेयर होता है और कोई तैयारियाँ चलती हैं उनको हम कहते हैं. ओपिनियन का मतलब होता है राय, पर्सनल व्यू, है ना. और यहाँ पे अगर हम देखें कि एज सुन एज द क्लास असेंबल्ड मिस मैशन अनाउंस द विनर्स, और जैसे ही क्लास में वो गए वहाँ पे मिस मैशन ने वहाँ पे अनाउंस किया कि जैक बैगल्स जो हैं वो लड़कों में जीते हुए हैं, और एक जज रूम नंबर 12 के मोटर के लिए उसका डिजाइन कमरे में प्रदर्शनी में था सभी लड़कों द्वारा बनाए गए चित्रों के साथ. और एज फॉर द गर्ल्स, उसने कहा लड़कियों में हालांकि अधिकतर जो डिजाइन थी सिर्फ एक या दो नमूने जमा किए गए थे, एक लड़की रूम नंबर 13 को उस पर प्राउड फील होना चाहिए, उस पर गर्व फील होना चाहिए. और इस लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन बनाए, सभी अलग और सभी सुंदर. जजों की राय में चित्रों में से कोई भी एक पुरस्कार जीतने के योग्य है. मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वांड्रा पेट्रॉन्स्की लड़कियों की विजेता हैं. और अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज नॉट हर टू रिसीव द अप्लॉज दैट ड्यू टू हर. और दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिनों के लिए स्कूल में एब्सेंट रही और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए यह यहाँ नहीं है जो कि उस पर उधार है. ड्यू टू हर, लेट्स होप सी विल बैक टुमारो. नाउ क्लासेस मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एक्सक्विजेंस ड्राइंग. और हमें आशा है कि वह कल वापस आ जाएगी. और आप अब क्लास में कमरे में चुपचाप घूम सकते हैं और जो ड्राइंग है उनको देख सकते हैं. द चिल्ड्रेन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज और एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टाम्प ऑन द फ्लोर, पुट द फिंगर्स एंड देयर माउथ्स एंड विशिल्स थ्रो, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस. बच्चों ने बहुत जोर से तालियां बजाई, लड़कों को फर्श पर नाचने, अपने मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाने का मौका मिलने पर खुशी हुई. उन्हें कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी. और लुक पैग विस्पर्ड मैडी, और मैडी फुसफुसाई, देखो पैग, दैट्स अ ब्लू वन सी टोल्ड अस अबाउट इज नॉट अ ब्यूटिफुल. यस साइड पैगी, and here the green one, why I thought I could draw. मैडी फुसफुसाई, देखो पैग, वो नीले रंग की है ना जिसके बारे में उसने हमें बताया था,
कि यह सुंदर नहीं है। पैगी ने कहा हाँ यह वह हरे रंग की है। वाह मैंने सोचा सोचा कि मैं बना सकती हूँ। आई थॉट आई कुड ड्रॉ। देखिए एग्जक्विस्ट का मतलब होता है इंटेंस एक्यूट, और यहाँ पे एप्लॉज का मतलब होता है हैंड क्लैपिंग जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एप्लॉज। और देखिए ये जो 100 ड्रेसेस वाली स्टोरी है ना, ये उसका पहला पार्ट है जो यहाँ पे खत्म होता है। और अगले पार्ट में हम जानेंगे वांडा पेट्रांस्की के बारे में कि क्या हुआ था। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो ट्रांसलेशन है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ तो आ चुका होगा। अब बारी है कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इन क्वेश्चन आंसर को भी हम कवर करें। देखिए अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आप देख सकते हो कि वेयर इन द क्लास रूम डज वांडा सिट एंड व्हाई, वांडा कहाँ बैठती थी। यूजली वो लास्ट सीट पे, लास्ट रूम में के बगल में बैठती थी। और ये सारी चीज़ें हैं रूम नंबर 13 में। नोबडी एक्चुअली नो, कोई भी उसको नहीं जानता था अनलेस बिकॉज दे फीट नॉर्मली कैक्ड एंड ड्राइड, है ना। ये सारी उन पैरों के बारे में था कि सूखे रहते थे, डर्टी रहते थे, फ्रॉम बॉगिन साइड से आती थी, अवॉइडिंग बीइंग लव, वो हंसना थोड़ा अवॉइड करती थी। क्लासमेट वॉज टास्क सेट देयर टू हाइड डर्टी फीट। नो वन रियली थॉट अबाउट वांडा वंस सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कोई उसके बारे में नहीं सोचता था। सो where does Wanda live and what kind of people do think about Wanda used to come like the way working sites they might be residents, it seems a place away from the school, so also was a dry muds, वो एक ऐसा था जहाँ पे एक सूखा कीचड़ था वहाँ पे लोग रहते थे, यही सोचते थे लोग। एंड when why do Peggy and Maddie notice Wanda absence, क्यों नोटिस किया, क्योंकि वो इसलिए नोटिस किया क्योंकि वो 3 दिन से नहीं आई थी। और उस लॉट ऑफ मड रीजन ये था कि उसने नोटिस किया कि उन्होंने देखा कि ट्रैक जो था वो बिल्कुल बहुत सारा मड था वहाँ पे। सो उन्होंने नोटिस किया, दे वेटेड अ लॉन्ग टाइम मेड फॉर अ स्कूल लेट, बट पैगी एंड मैडी वांटेड टू हैव सम फन विद हर एंड बट डिडंट टर्न अप। वो उसके साथ कुछ फन करना चाहते थे लेकिन वो नहीं आई। व्हाट डू यू थिंक टू हैव फन विद अ मींस, इसका मतलब क्या हुआ। वो एक बहुत ही क्वाइट और साई गर्ल थी, वो डरती थी, वुड मेक फन ऑफ द कैच फिट एंड द गर्ल यूज टू फन विथ हर, दे गेव अ लॉट ऑफ प्लेजर, दे वॉन्टेड टू फन विथ हर, वो चाहते थे कि वो खुश रहे। इन वॉट द वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रेन, वांडा इज अलोन एंड शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, सी केम टू स्कूल अलोन, वो अकेले आती थी, अकेले जाती थी और डिफरेंट थी सारे चिल्ड्रेन बच्चों से। सी ऑलवेज रोर ऑफ एडेड ब्लू ड्रेसेस, उन्होंने सी ऑलवेज रोर ऑफ फेडेड ब्लू ड्रेसेस, हमेशा एक वो जो फीकी कलर की ड्रेस थी वो पहनती थी ब्लू कलर की, और नॉट जो कि प्रॉपरली फिट भी नहीं थे। हर ड्रेसेस लुक लाइक क्लीन, उसके ड्रेसेस क्लीन थे बट आयरन नहीं थे प्रॉपरली। शी डिडंट टॉक एनीबडी, वो बहुत कम बात करती थी, किसी से बात नहीं करती। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, व्हाई डू यू थिंक शी सेड इट, नो उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी, बिकॉज शी वॉज पुअर, वो गरीब थी। शी रोर अस सम फेडेड ब्लू ड्रेसेस टू स्कूल एवरी डे and look clean but never iron properly, she always said she had 100 dresses to hide her inferiority complex, वो इसलिए बोलती थी क्योंकि वो हाइड करना चाहती थी अपने डर को। impressed to other girls to say didn't make fun other again, वो इसलिए कहती थी ताकि कोई दूसरा उस पर फन न कर पाए। why didn't Maddie ask Perry to stop teasing Wanda and what was she afraid of, Maddie was herself didn't belong to rich background and she could not ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was her best friend, aur kyunki Peggy uski achhi dost thi, she had faith in Peggy she would never do any wrong, okay, wo usko vishwas tha ki wo kabhi uske sath galat nahi karegi. Peggy never insulted anyone and never did anything who hurts feelings. Peggy was afraid because loved her poor dresses. Maggie जो थी वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके ऊपर उसकी poor dresses पे भाषा था। Who did Maggie think who would win the drawing contest and why? Maggie ने सोचा कि Peggy जीतेगी क्योंकि Peggy बहुत अच्छे से किसी की भी dresses बनाती थी, even copy कर लेती थी magazines को, pictures को, किसी भी film star के faces को आप अच्छी तरीके से पहचान भी सकते हो। Who won the drawing contest and winner drawn? It was a Wanda. वो Wanda Petronsky ने जीता था क्योंकि
कंपटीशन में जैसे ही वो व्हेन व्हेन द स्टूडेंट एंटर द क्लासरूम द फुल ऑफ स्केचेस और ड्रेसेस, बहुत सारे ड्रेसेस के स्केचेस थे और वहाँ पे 100 ड्रेसेस थे उसकी वॉल रूम में. ऑल द स्टूडेंट्स वांटेड टू नो हु मेड देम, सभी जानते थे कि किसने, कौन ने बनाया है ये. और वांडा वॉज अप्रिशिएटेड बाय द जज, जो वांडा को वो जजों के द्वारा अप्रिशिएट किया गया था, बट वो वहाँ पे नहीं थी, आपको पता है ये स्टोरी में. अपलोड बाय हर फेलो क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स थे उनके द्वारा भी अपलॉस किया गया उसको. सो आई होप कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ट्रांसलेशंस, इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो, और क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी. अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हो. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच.